हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, उससे एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो हमें यहाँ पे क्या कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनको डिवाइड कर हमें ये बताना है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि जो डेसिमल नंबर होता है वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद क्या खत्म हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं ना। और वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे पाई लीजिए, पाई की वैल्यू क्या कभी टर्मिनेट होती, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म होती नहीं खत्म होती ना, तो उसकी वैल्यू कैसी, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। और वहीं अगर हम 2/5 ले ले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.4 आएगा। 0.4 के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आएगा। 0.4 के बाद क्या, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं ना। और वहीं पाई की वैल्यू लीजिए तो पाई की वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं होती, तो उस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 36 को क्या हमें 100 से डिवाइड करना है ना। तो अब देखो 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है ना, तो जाहिर सी बात है आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत करिए। 36/100 लिखा है तो दो जीरो है, तो ऊपर से आप मतलब दो के बाद पॉइंट लगा दिए, 0.36 आ गया है ना। अब देखिए 0.36 के बाद क्या, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है ना, 0.36 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसके पास कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस नंबर के पास कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है ना। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1/11 है ना। अब हमें 11 को 1 से डिवाइड करना है ना, सो हम यहाँ पे डिवीजन का मेथड सिंपल से यूज करेंगे, 11 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी ये छोटा है इससे, हमने फिर जीरो लगाया, फिर यहाँ पे 99 हो जाएगा है ना, फिर यहाँ पर 1 आया है ना। अब 1 आया तो भाई पॉइंट लगा ही है ना, 10 आप एक बढ़ा सकते हो है ना। तो अब यहाँ पे क्या हमें फिर से एक, अब ये क्या है कि अभी हमने मतलब पॉइंट लगा था 10 बढ़ा दिया, लेकिन तब भी अभी भी क्या है, ये जो 10 है वो 11 से छोटा है, तो हमें फिर 10 लगा देना है ना। तो यहाँ पे फिर 10 लग जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हम 9 से ले जाएंगे ना, 99 है ना, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट के बाद जो 09 है वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, मतलब पॉइंट के बाद जो 09 ये जो डिजिट है वो क्या कर रही, बार बार रिपीट कर रही। और हमने पढ़ा है कि जो डिजिट बार बार रिपीट करती है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं ना। तो ये मतलब ये डिजिट क्या ऐसे ऐसे रिपीट करते हुए जाएगी, मतलब खत्म नहीं होगी है ना। इसको अगर आप और डिवाइड करोगे तो फिर 0909 आता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा है ना, ये बार बार रिपीट होती जाएगी ना, मतलब 0.09 है ना, इसके ऊपर आपको बार लगा देना है ना। तो अब इसमें कैसे मतलब अब इसके पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके साथ क्या रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग भी तो है, क्योंकि अब देखो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है पहली बात, तो क्योंकि 09 आता जाएगा, तुम इसको और आप डिवाइड करते जाओगे, 09 आता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ना, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना। और 09 बार बार रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये मतलब इसके पास इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना। तो इसके पास किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मैं लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा, जैसे आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, लेकिन बार बार क्या 09 रिपीट करता जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन हमारा थर्ड पार्ट क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में देखा है, इसको हम नोट करते हैं, देन बोला सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए 4 whole 1/8 है, अब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लें तो 8 4 32 33/8 आएगा है ना। अब हमें क्या करना है, 8 को 33 से डिवाइड करना है, सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे 33 को 8 से डिवाइड किया तो 4 32 गया है ना, 1 बचा
अब देखिए वन क्या एट से छोटा है तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे जीरो बड़ा है ना, उसके बाद वन जा एट है ना, फिर टू आया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगा ही है, पॉइंट लगा तो यहाँ पे आप जीरो बढ़ा ही सकते हैं है ना, तो आप यहाँ पे क्या एट टू जा सिक्सटीन हो गया है ना। अब यहाँ पे फोर बचा, अब पॉइंट लगा है जीरो बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे जीरो बढ़ाया, यहाँ पे फाइव से चला गया ना तो फोर्टी है ना। तो अब आपका मतलब जब आपने क्या एट को थर्टी थ्री से डिवाइड किया तो कितना आया 4.125 आया है ना, क्या आया 4.125 आया है ना। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है ना, मतलब फाइव के बाद क्या डेसिमल एक्सपेंशन आपका खत्म हो रहा है, तो इसके पास क्या है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। सो आई होप आपको ये तीन क्वेश्चन अभी तक समझ में आए होंगे ना, देन हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अब हमें 13 को मतलब 3 को 13 से डिवाइड करना है ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 13। अब देखिए 3 छोटा है 13 से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे है ना, 2 26 अपॉन मतलब यहाँ पे क्या आया 4 आया ना, मतलब अपॉन नहीं मतलब 4 आया ना। अब यहाँ पे अभी भी ये 4 जो है वो 13 से छोटा है तो पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा ही सकते हो है ना, तो ये 3 से चला जाएगा क्या हो जाएगा 39 है ना, यहाँ पे वन आया। अब पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा सकते हो, अब यहाँ पे 10 है, अब 10 अभी भी 13 से छोटा है तो आप क्या एक और जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया है ना, तो अब यहाँ पे आप 7 से लेके जाएंगे 90 बनाएंगे है ना। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 9 बचा है ना, अब पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा सकते हो, फिर जीरो बढ़ा दिया है ना। अब 13 को हम कितने टाइम्स लेकर जाएंगे कि 90 हो है ना, मतलब यहाँ पे 90 छोटा होता है, यहाँ पे 6 टाइम्स है ना, तो यहाँ से अगर हम लेके जाएं तो कितना हो जाएगा 78 हुआ है ना। अब 78 90 को अब हमें 90 को 78 से माइनस करना है ना, तो अब यहाँ से माइनस कर दीजिए 78 से माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 2 बचेगा है ना, यहाँ पे मतलब 12 बचा है ना। अब यहाँ पे पॉइंट लगा ही है ना, मतलब पॉइंट लगा है तो आप एक जीरो बढ़ा सकते हो है ना। अब यहाँ पे क्या आप फिर 9 से लेके जाएंगे, तो 9 से अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1817 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचा है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर 3 बचा, फिर आप यहाँ पे 30, फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाए तो यहाँ पे फिर से आप एक यहाँ पे ले सकते हैं जीरो उतार सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से हम 30 पर आ गए ना, देखो यहाँ से हमने डिवाइड करना शुरू किया था फिर हम वही 30 पर आ गए, यहाँ से हमने 30 से शुरू किया था डिवाइड करना शुरू है ना, 3 था तो हमने पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा दिया है ना, फिर 30 से हमने डिवाइड करना शुरू किया फिर वही हम 30 पर आ गए ना। फिर मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब फिर से क्या ये 2 3 0 7 6 9 फिर से रिपीट करेगा ना, तो मतलब ये जो इतना जो अल्फाबेट है मतलब ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या फिर से रिपीट होंगे है ना, मतलब फिर से रिपीट होंगे 30 के बाद ये फिर से जो नंबर्स लिखे हैं वो रिपीट होंगे ना। तो अब जो हमने पढ़ा कि जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर क्या बाल लगा देते हैं, तो जाहिर सी बात हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बाल लगा दिया है ना। और अब इसके पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके पास आपको आगे बहुत सारी डिजिट मिलेंगी है ना, बहुत सारी डिजिट मिलेंगी, और डिजिट कौन से मिलेगी, यही आपको डिजिट मिलेगी, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, अभी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, 30 आया था, फिर से यहीं से 2 से स्टार्ट हो जाता है ना। तो मतलब इस जैसे मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें क्या जो नंबर है वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होंगे है ना, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ना। और बार लगाया मतलब ये डिजिट क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है ना, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना। तो इसके पास डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, 2 को 11 मतलब यहाँ पे हमें क्या 2 by 11 है ना, मतलब अब 2 को 11 से डिवाइड करना है ना। अब ये देखते हैं यहाँ पे हमने 2 ले लिया और 11, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, यहाँ पे तो पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया है ना। अब 11 बचा 11, यहाँ पे 9 बचा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा सकते हैं, अब यहाँ पे 8 जा 88, 2 बचा है ना, अब यहाँ पे 2 बचा, अब यहाँ पे 88 आया, रिमाइंडर क्या है 2 आया ना, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हम जीरो लगा सकते हैं ना, फिर यहाँ पे हम किसे लेके जाएंगे 1 से लेके जाएंगे ना, फिर 11 आएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा है ना, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा जीरो जीरो बढ़ जाएगा ना, उसके बाद फिर 8 से लेके जाएंगे ना, फिर 88 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा ना, फिर यहाँ पे आप मतलब आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है मतलब 0.1818 है ना, ऐसे क्या होगा कि 1 8 रिपीट होता जाएगा ना। तो अब इसके बाद और जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो मतलब जो नंबर रिपीट होती है उसके ऊपर क्या बार लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है
0.1818 क्या ये रिपीट करता रहेगा, क्योंकि अभी रिमाइंडर क्या हमारा जीरो नहीं आया, टू आया। अगर पॉइंट लगाए तो फिर से हम जीरो बढ़ाएंगे ना, तो मतलब फिर से क्या ऐसे 18 आता ही जाएगा, 18 आता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो मतलब ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना। और कौन से मतलब क्या 18 बार बार रिपीट करता जाएगा ना, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और क्या होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा, है ना। क्योंकि ये नंबर कभी भी आपको मतलब टर्मिनेट नहीं करने वाली है ना, ये मतलब इसमें कभी आपका रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं सकता, है ना, जीरो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मतलब जीरो कभी आएगा नहीं, मतलब रिमाइंडर जीरो, है ना, रिमाइंडर का कभी जीरो नहीं आएगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। और यहाँ पे क्या 1818 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा ही, उसके साथ क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देन हमारा लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है 329 को डिवाइड करना है 400 से, है ना। तो हमें क्या करना है, 329 को 400 से डिवाइड करना है, है ना। ये कौन सा पार्ट है, सिक्स पार्ट है ना। तो यहाँ पे 329 को हमें क्या 400 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए, अब मतलब इसको डिवाइड करने के बाद हमें यही बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा ना। तो इसको हम सिंपल से डिवाइड करेंगे, हम इतना बड़ा मेथड यूज नहीं करेंगे ना। यहाँ पर क्या हम 329 है, अब 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ना। अब 329 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप 329 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 × 8 = 32 होगा 4 × 8 = 32, है ना। बचा क्या, 9 बचा, है ना। अब 4 × 2 = 8 होगा कि नहीं, 4 × 2 = 8 होगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस 9 कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे यहाँ पे जैसे 329 है, इसको आप 4 से डिवाइड करिए, है ना, 4 × 8 = 32 हुआ, कट जाएगा पूरा, है ना। बचा 9 को डाल दीजिए, 4 × 2 = 8 हुआ, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1 बचा, है ना, 1 बचा, फिर पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या 2 चला जाएगा, है ना, 2 जाएगा, तो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2 बचा, है ना, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 5 से चला जाएगा, है ना। तो मतलब अब देखिए, मैं इसको आप शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप 400 को 329 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, हम 400 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 100 लिख सकते हैं। अब हमने 4 को क्या किया, 329 से डिवाइड कर दिया है, क्या 82.25 आया, है ना, अपॉन 100 आया, है ना। और हमने पढ़ा है कि अब देखो, जहाँ नीचे अपॉन में 100 है ना, और ऊपर क्या है, पॉइंट है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको 100, जब कोई भी 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो पॉइंट होता है वो क्या, लेफ्ट साइड मतलब इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.8225 आ जाएगा ना। मतलब जब आप इसको मतलब 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8225 आ जाएगा ना। अब 0.8225 आया है ना, तो अब इसमें आप क्या देखेंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन है 5 के बाद वो खत्म हो रहा है ना। तो मतलब तो इस नंबर के पास किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। सो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आया होगा, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।